नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली वर्ड लेनेस वर 11 जून 2022 आज टू थाउजेंड ट्वेंटी कौन कौन सा है, चेक करते है। सबसे पहला वाले डो जावरी आपने शायद सुना होगा एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट डॉम फिलिप्स एंड एक ब्राजीलियन इंडिजीनियस अफेस एक्सपर्ट ब्रूनो अरेजो पेरेरा ये दोनों मिसिंग है कहाँ पे एमजोन रेनफोरेस्ट का एक रिमोट कॉर्नम में इस एरिया का नाम है वाले डो जावरी ये नाम कहां से आया उधर एक रिवर है दोस्तों जावरी रिवर जो ब्राजील एंड पेरू के बॉर्डर में आता है तो ये बेसिकली ब्राजीलियन एमेजोन एरिया का वेस्टर्न सेक्शन है इधर ही ये दोनों मिसिंग हुआ ठीक है ये जो एरिया है वेलेडो जावरी ये एटी स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है एंड इट इज होम टू द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोलेटेड ग्रुप्स इन एमेजोन वर्ल्ड आप देखिए एमेजोन एरिया में सबसे ज्यादा आइसोलेटेड को मिलेगा कहने का मतलब यह हैबिटेंट है इधर है है। के जो ट्राइब्स है उनको बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है ब्राजील गवर्नमेंट वालेडो जवारी एरिया में रहने वाले कम्युनिटीज को एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट भी ग्रांड किए थे अंडर दिन ऑफ ब्राजील और इस एरिया में इलीगल गोल्ड प्रोस्पेक्टिंग एंड पोचिंग भी होते हैं दोस्तों तो ये काफी नोटोरियस एरिया है तो ये एरिया अभी न्यूज में आया है इसके बारे में बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया वैसे वायलेडो जवारी में इंटरनेशनल कोकेन ट्राफिकिंग भी होते हैं दोस्तों गोल्ड एक्सचेंज होता है ड्रग्स के लिए वायलेंट क्राइम्स का भी एक हॉटस्पॉट है मैप में आपको दिखा देता हूं एरिया ये साउथ अमेरिका का मैप है इधर आपको ब्राजील दिख रहा है इधर आपको पेरू दिख रहा है ब्राजील एंड पेरू के बॉर्डर में इधर आपको जावरी रिवर दिखेगा जावरी रिवर के आसपास से दोस्तों वालेडो जावरी ठीक है अगला है वन ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ बीम्स्टेक द सेक्रेटरीट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन जिसे बीमस्टेक बोलते हैं इन्होंने अपना ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में वैसे का सेक्रेटरी है रिसेंटली जब बीमस्टेक का मीटिंग हुआ तब एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अडोप्ट किए थे तो बेसिकली बे ऑफ बंगाल रीजन में कनेक्टिविटी अचीव करना ये वन ऑफ है दीमस्टेक का एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है ये बात आपको पता है कौन कौन से कंट्रीज है बांग्लादेश श्रीलंका इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड एंड म्यांमार ये केवल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ग्रेट हिमालय सन बे ऑफ बंगाल जैसे एकोलॉजीज को भी कनेक्ट करते हैं बीमस्टेक फॉर्म हुआ था 1997 में थ्रू द दे बैंकॉक डिक्लेरेशन ये भी आप ध्यान दीजिएगा बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है इनिशियली चार मेंबर स्टेट्स थे बीमस्टेक का पहला नाम बीस्टेक था मतलब बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपोरेशन था फिर 1997 में बीमस्टेक करके रीनेम किया जब म्यांमार को इंक्लूड किया फिर 2004 में नेपाल एंड भूटान को भी इंक्लूड किया दोस्तों तब ये ग्रुपिंग का नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन या फिर बीमस्टेक हो गया ठीक है अगला फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ए पॉलिसी फॉर ड्रोन हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना है जो एक ड्रोन पॉलिसी अप्रूव किया है देखा जाएगा तो अगस्त 2021 एंड फरवरी 2022 के बीच में नंबर ऑफ ड्रोन और यू स्टार्टअप्स इंडिया में 34.4 परसेंट इंक्रीज हुआ है वैसे यह कहा जा रहा है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में 10,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं अगले तीन साल में तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ड्रोन एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी को डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करना चाहता है हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 अप्रूव किया है ये जो पॉलिसी है ये होलिस्टिक ड्रोन इको को क्रिएट करने के लिए मदद करेंगे विच इज बिल्ट अप ऑन द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रॉन्स ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों गेर करके एक पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का वो है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रॉन्स तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला स्टेट है जो पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन को एक्नोलॉज किया है वो भी फॉर्म अगला है अनोकोवैक्स फॉर एनिमल्स लॉन्च एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी लॉन्च किया है कंट्रीज फर्स्ट होमग्राउंड कोविड नाइनटीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स वैक्सीन का नाम है अनोकोवैक्स ये डेवलप किया है हरियाणा बेस्ड आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। तो ये ध्यान दीजिएगा वैसे इक्विन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों इक्विन्स बेसिकली होर्स है खोडा खोडो का जो फैमिली है उसे आप इक्विंस बोल सकते हो अनोकोवैक्स एक इनएक्टिवेटेड सार्स कोव टू डेल्टा वैक्सीन है दोस्तों एनिमल्स के लिए क्या होता है इनएक्टिवेटेड सार्स को देखिए नॉर्मली वैक्सीन में क्या होता है एक इनएक्टिवेटेड वायरस को इंजेक्ट करते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं वैसे वो इनएक्टिवेटेड वायरस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जगाना ठीक है ये नॉर्मली वैक्सीन्स में रहते हैं पर आजकल अलग टेक्नोलॉजी भी यूज होता है देखिए अभी तक वैक्सीन्स में क्या होता था इनएक्टिवेटेड वायरस को इंजेक्ट करता था जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन उसमें क्या होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस को इंजेक्ट करते हैं पर आजकल दूसरा टेक्नोलॉजी है एम आर एन ए करके मैसेंजर आर एन ए टेक्नोलॉजी इसके बारे में एक वीडियो चैनल में अवेलेबल है आप देख सकते हो वैसे इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एम आर एन ए वैक्सीन के बारे में एक क्वेश्चन आया था तो देखिए ऐसा मेडिकल फील्ड में जितने भी टेक्नोलॉजीज आते हैं ना दोस्तों उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए यह मैंने हर बार बताया है आपको

जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं तो इस वैक्सीन में एक तो इनएक्टिवेटेड सार्स कोव टू डेल्टा वेरियंट एंटीजन है इसके अलावा एक अजन भी है अलहाइड्रोजन ठीक है एंड ये सेफ है डॉग्स के लिए लाइन के लिए लपर्ट्स के लिए माइस के लिए एंड रैबिट्स के लिए इसके अलावा मिनिस्टर साहब ने कैन कोव टू एलिसा किट भी लॉन्च किया है ये बेसिकली एक सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन बेस्ड इनडायरेक्ट एलिसा किट है बस आप यही समझ लीजिए एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए किट है दोस्तों एलिसा किट ठीक है और ये यूज करेंगे अगेंस्ट सार्स को मतलब क्या होता है जो डॉग फैमिली है उसे आप कैनिन बोल सकते हो फाइनल न्यूज कृष्णा श्रीनिवासन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा ने यह अनाउंस किया है इंडियन नेशनल कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया है एज द डायरेक्टर ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इससे पहले चांगयोंग री थे डायरेक्टर ये रिटायर हो गया तो अब इंडियन नेशनल कृष्णा श्रीनिवासन अपॉइंट हुआ है मिस्टर श्रीनिवासन को ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ फंड एक्सपीरियंस है दोस्तों करंटली वो डिप्यूटी डायरेक्टर है एपीडी में एज डिप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा श्रीनिवासन

IMF में मेंबर होना जरूरी है ठीक है आई एम एफ कोटा के बारे में आईएमएफ में एक मेंबर कंट्री अपने कोटे का टू हंड्रेड परसेंट तक पैसे बोरो कर सकता है एनुअली एंड टोटल सिक्स हंड्रेड परसेंट क्यूमुली टोटल मिलाकर सिक्स हंड्रेड परसेंट ले सकता है और एनुअली टू हंड्रेड परसेंट तक ले सकता है ठीक है हाउएवर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ज्यादा पैसे ले सकते हैं तब ये टू हंड्रेड परसेंट वाला जो लिमिटेशन है वो नहीं एप्लीकेबल होगा तो दोस्तों ऑफ़ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर की पीडीएफ एज सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय। हैव बाई है